Hey everyone, please subscribe to the channel and press the bell icon to stay connected with Mom's Healthy Kitchen. Hey everyone, welcome back to my channel. Aaj hum coconut milk ice cream banayenge without condensed milk, without cream. Bahut zyada creamy banegi, bas isme hum maida use karenge. To chaliye start karte hain. Iske liye maine coconut liya hai. Full ek green coconut mujhe chahiye. Coconut ko maine grinder mein acche se piece liya hai. Thoda sa dardara rakhenge. अब यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया था, फुल फैट मिल्क. उसमें मैं अपना कोकोनट मिक्सचर डालूंगी. दूध को मैंने बस ऐसे ही बॉईल करके रखा था. अब इसमें उबाल आने देंगे. कोकोनट भी बहुत सारा मिल्क छोड़ने वाला है. मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बताशे लिए हैं. आप चीनी भी यूज कर सकते हो. बताशे से क्रीमीनेस आती है, चीनी से वो ज्यादा नहीं आती है. बताशों को मैंने अपने मिल्क में डाल लिया है. इसे अब डिजोल्व होने देंगे. 1/2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है. मैदे में मैंने ठंडा पानी डाल के एक घोल बना लिया है. इसी से हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी. हम अब इस घोल को मिल्क में ऐड कर देंगे और मिल्क में एक बॉयल आने देंगे. उसके बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे. गैस को बंद करके इसे हम रूम टेम्परेचर में आने देंगे. देखिए, रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये गाढ़ी हो गई है. इसे अब मिक्सी में हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो स्मूथ बने. अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और ऊपर से एक प्लास्टिक रैप से ढक के फिर ढक्कन लगाएंगे ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो क्रीमी बने, बर्फीला ना बने. देखिए हमारी आइसक्रीम दिखने में कितनी क्रीमी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मैंने एक कोकोनट शेल को बोल की तरह यूज़ किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.